बिलाल मुझे गना जुनी जगह कच्ची होनी बिलाल लगना जुनी बिलाल मना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीलम में और हम जा रहे हैं रत्ती गली लेक जो यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर है। बहुत ही अच्छी जगह है, बस आपके गाड़ी में पेट्रोल और जेब में पैसे होने चाहिए तो घूमने के लिए बहुत बेहतरीन है। फवाद सिटी में हूँ और हम आगे जा रहे हैं झादरा। मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। रात को मैं नीलम पहुंच गया था और रात को काफ़ी लेट आए थे, सो गए और उसके बाद अभी जो है हम निकल रहे हैं। कुछ सफ़र जो है वो हम जीप से करेंगे और उसके बाद कुछ सफ़र जो है वो पैदल है, हाइकिंग है। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। हम तकरीबन घंटा लेट हो चुके हैं, तकरीबन 8 बज गए। हमें 7 बजे निकलना चाहिए था। बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, उम्मीद है कि बहुत अच्छा मौसम मिलेगा। तो साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको दिखाएँगे। रोशनी के मंजर धुंधले होते जाएंगे, फासले हर कदम पर दुगने होते जाएंगे, फिर भी उजला आसमां का एक कोना, थाम के हम सारी बातें कहते जाएंगे, रोके सब फिर भी कहते। बहुत सख्त रोड है, बारिश भी हुई है तो जो है स्लिपरी है। हमारे उस्ताद तो अच्छे ड्राइवर लग रहे हैं, पीछे वाला ड्राइवर के लिए थोड़ा मुश्किल है। गाड़ी का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये फलसफे है दिल की किताबों में लिखे, कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं। ये फलसफे है दिल की किताबों में लिखे, कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन जगह बहुत प्यारी है, मौसम भी बहुत प्यारा है, हल्की हल्की सी बारिश है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं ड्रोन शॉट्स भी लूँ। ये है जी बेस कैंप, एक बस्ती आबाद है और मौसम चेक है और हाइकिंग स्टार्ट है। यहाँ से आपको घोड़े भी मिल जाएंगे या पैदल, आपकी मर्जी है। बहुत सख्त हाइक है और आधे से ज़्यादा हम कर चुके हैं। मौसम पीछे चेंज हो गया। हमारे साथ इधर एक आबशार है बहुत बड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। और धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है। झील पहुंच चुके हैं, सर्दी ज़्यादा हो गई है, शॉलें वगैरह हमने ओढ़ ली हैं। बहुत खूबसूरत है लेकिन अभी तक धुंध में ढकी हुई है, थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है, लेकिन मैं आपको असल शॉट्स दिखाऊंगा। और बहुत थकान देने वाला सफ़र था, हम शॉर्टकट के चक्करों में काफ़ी सख्त रास्ते से आए हैं। तो लेकिन बहुत प्यारी जगह है, अल्लाह ताला की कुदरत है, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, बहुत खूबसूरत जगह है। हमें आए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक जो है धुंध वो बिल्कुल भी नहीं छट रही, थोड़ी सी एक साइड से इधर है ही नहीं, लेकिन इस साइड पे आबशार की तरफ से जो है वो धुंध बिल्कुल भी नहीं हट रही। धुंध छटे कोई मंज़र हम देखें, अभी तक हमने कुछ ख़ास देखा नहीं, धुंधी है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा और वेट करते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे। है दिल की किताबों में लिखे, कहेंगे बातें अब वही जो अक्सर होती नहीं। ये फलसफे है। एक बैड लक ये हुई कि ड्रोन शॉट्स अच्छे नहीं आए होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि बहुत घनी धुंध है। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया कि धुंध छटे और हम कुछ शॉट्स ले लें, लेकिन नहीं रुक सके और अब मज़ीद इंतज़ार कर नहीं सकते हम, क्योंकि ये तो लग रहा है कि ये फॉरएवर ही है। वापसी का सफ़र जारी है और इंशाल्लाह नीचे पहुंच के फिर देखते हैं। बाद बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और हम अपने व्यूवर्स से ये भी कहेंगे कि कभी भी आप अगर कश्मीर के विज़िट में आएँ तो नीलम वैली और ख़ासकर रत्ती गली को अपनी मस्ट विज़िट लिस्ट पे ज़रूर रखें, और साथ अपने साथ सामान और अपने फेफड़ों में हवा ज़रूर लेके आइएगा, वरना बहुत मुश्किल होगी जाने में। तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बहुत खूबसूरत रास्ता है और आपके साथ एक नदी है जो मुसलसल आपके साथ रहती है, पीछे आबशार है जिसको हम बिल्कुल कवर नहीं कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज अमेरिका वापसी है और इस वक्त मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में वेट कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा टूर था, आज दिल उदास भी है और काफ़ी परेशान भी हूँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। इस सफ़र में मैंने कोशिश की है कि जितना मुमकिन था मैं पाकिस्तान के अच्छी जगह की मैं आपको दिखा सकूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग्स और ये मेरा ट्रैवल एपिसोड पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।